नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो हम कल पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। हमने पाचन तंत्र को कुछ पार्ट उसके पढ़ लिए थे। आज हम पाचन तंत्र को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिना समय गवाए हम पाचन तंत्र को आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आप स्टूडेंट्स, क्या है पाचन तंत्र का आगे का पार्ट। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के प्रमुख भागों से स्रावित एंजाइम की। पाचन तंत्र के जो प्रमुख अंग है, भाग होते हैं, वहां से कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं और उन एंजाइम को कौन स्त्रावित करता है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुख गुहा के बारे में। देखिए आप, मुख गुहा पहला हम पढ़ते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा में पाई जाती है लार ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां। तो मुख गुहा में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां। अब ये लार ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन मुख गुहा में स्त्रावित करती है या छोड़ती है? तो देखिए आप, दो हार्मोन है। पहला पढ़ते हैं टाइलिन और दूसरा है एमाइलेज। ये दोनों हार्मोन लार ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते किसमें? मुख गुहा में। हार्मोन के नाम है टाइली, दूसरा है एमाइलेज। ध्यान रखें ये दोनों। आगे चलते हैं, सेकंड लेते हैं आमाशय। आमाशय के अंदर क्या पाई जाती है? आमाशय के अंदर पाई जाती है जठर ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां। तो आमाशय की भित्ति में, आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियों से स्त्रावित एंजाइम, समझा? तो आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, वहां से कौन से एंजाइम आमाशय में स्थापित होते हैं उनको समझेंगे। तो समझिए आप, देखते जाइए। तो आमाशय की भित्ति में से जठर ग्रंथियों से कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं? पहला लेते हैं पेप्सिन, रेनिन, HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है म्यूकस, इसको बोलते हैं जठर रस। तो पेप्सिन, रेनिन, HCl और म्यूकस जिसको बोलते हैं जठर रस, ये चारों एंजाइम आमाशय में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती है वहां से स्त्रावित होते हैं। किसके अंदर? आमाशय के अंदर स्त्रावित होते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया मुख गुहा का, और सेकंड बताया आपको आमाशय का। थर्ड चलते हैं हम छोटी आंत के बारे में। देखिए आप, थर्ड हमारा छोटी आंत। अब छोटी आंत के अंदर अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं वो समझेंगे। तो अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन या एंजाइम। तो छोटी आंत में अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं उनके नाम मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए आप, पहला लेते हैं एमाइलेज,
दूसरा लेते हैं ट्रिप्सिन, तीसरा लेते हैं काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अगला लेते हैं हम लाइपेज, फिर है न्यूक्लिएज। तो मैंने आपको बताया अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होते हैं, तो कौन कौन से हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। तो ये आप ध्यान रखें, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज, ये एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। आगे चलते हैं चौथा पॉइंट, छोटी आंत में, छोटी आंत के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनसे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला पढ़ेंगे वही छोटी आंत के पढ़ेंगे हम चौथा पॉइंट। छोटी आंत का देखिए आप, चौथा पॉइंट छोटी आंत, छोटी आंत की भित्ति में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम। छोटी आंत की भित्ति में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम कौन कौन से जो छोटी आंत के अंदर स्रावित होते हैं उनको समझेंगे हम। देखिए आप ध्यान से, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, न्यूक्लिएजेज, ध्यान दें, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, न्यूक्लिएजेस, आगे न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ध्यान दें, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लियोटाइडेज। अगला है, इधर लिख देता हूं मैं, डाई पेप्टाइडेज, डाई पेप्टाइडेज, और अंतिम है फास्फेटेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेज, डाइपेप्टाइडेज और फास्फेटेज, ये सभी एंजाइम छोटी आंत में उपस्थित जो ग्रंथियां होती है वहां से स्रावित होते हैं किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। आगे चलते हैं हम पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट भी छोटी आंत के लिए ही है, लेकिन छोटी आंत में किसके द्वारा स्रावित हार्मोन एंजाइम, वो याद रखें आप,
यकृत ग्रंथि से स्त्रावित एंजाइम। यकृत ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है, इसका ध्यान रखें। पीत लवण, ये पीत लवण, पीत रस से बनता है पीत लवण, ये एंजाइम यकृत ग्रंथि से स्त्रावित होता है, जो किसमें जाता है, छोटी आंत के अंदर जाता है, जिसको बोलते हैं पीत लवण, पीत रस भी कह सकते हैं, पीत रस से ही पीत लवण का निर्माण होता है। तो पीत लवण यकृत ग्रंथि से स्त्रावित एंजाइम है, जो कि छोटी आंत में स्त्रावित होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए मैंने आपको बताया पाचन तंत्र के अंदर जो अंग काम करते हैं उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं। तो इस तरह मैंने मुख गुहा के बारे में बताया, मुख गुहा में कौन से एंजाइम स्त्रावित हो रहे हैं, फिर आमाशय में कौन से स्त्रावित एंजाइम स्त्रावित हो रहे हैं, छोटी आंत में अग्नाशय से कौन से एंजाइम स्त्रावित हो रहे हैं, छोटी आंत में छोटी आंत की ग्रंथियों से कौन से एंजाइम स्त्रावित हो रहे हैं, और छोटी आंत में यकृत ग्रंथि से कौन से एंजाइम स्त्रावित हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको जरूर आप पढ़ें, और दो तीन बार पढ़ने पर आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तो दो तीन बार अगर मेरे वीडियो को आप देखोगे तो तुरंत हर चीज आपको याद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर से आऊंगा नया वीडियो लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।